गुड मॉर्निंग 8th क्लास बेटा, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि मैंने आपको बेटा कहा था, आज हम वीडियो नंबर 18 लेकर के आए हैं चैप्टर नंबर 1 की। और आपको मैंने बताया था कि हम पीछे जो क्वेश्चंस है वो नहीं करेंगे, बल्कि एनसीईआरटी एक्सरसाइज है सिर्फ वही कंप्लीट करेंगे। तो वैसा ही हम कर रहे हैं। देखिए बेटा, एक चीज़ आप इसमें ध्यान रखिए, आज मैं आपको जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज करा रही हूँ उसमें एक्सरसाइज ए, एक्सरसाइज बी और उसके बाद एक्सरसाइज जे, एक्सरसाइज के कराने वाली हूँ, क्योंकि ये सब बुक में कराऊंगी। तो बुक वाले मैं एक साथ करा देती हूँ, उसके बाद जो आपके क्वेश्चंस होंगे इन्हें मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको नोट्स प्रोवाइड करके पूरे समझा दूंगी, क्लियर। तो आज बुक वाले ही क्वेश्चंस हम करेंगे इसके अंदर। देखिए फर्स्ट क्या है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स हैं, आपके लिए यहाँ पे ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, आपको सिर्फ इन्हें फिल करना है। देखिए, द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल एट अ प्लेस इज कॉल्ड, यानी कि एक ही तरह के पौधे जो उगाए जाएं और काटे जाएं एक बहुत ही बड़े प्लेस पर, उन्हें क्या कहते हैं। तो एक ही तरह के पौधों को क्या कहते हैं बेटा, क्रॉप कहते हैं। ठीक है, आपको वैसे पूरा चैप्टर आपने पढ़ लिया है तो आपको हेल्प तो हो ही रही होगी, आप खुद भी कर सकते हैं इन्हें। ठीक है, द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप्स इज, सबसे पहला स्टेप क्या होता है फसलें उगाने से पहले, होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी मिट्टी को तैयार करना। ठीक है, डैमेज्ड सीड्स वुड डैश ऑन द टॉप ऑफ वाटर, कि जब आप खराब बीजों को पानी में फेंकेंगे तो वो फ्लोट करेंगे यानी ऊपर तैरेंगे, और जो अच्छे बीज होंगे वो डूब जाएंगे, क्लियर। फोर्थ देखिए, फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप सफिशियंट सनलाइट एंड वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल आर असेंशियल, यानी कि फसल उगाने के लिए सनलाइट के साथ साथ पानी और पोषक तत्व मिट्टी के अंदर बहुत ही ज़रूरी हैं। आपको ज़्यादा दिक्कत यहाँ नहीं होगी क्योंकि इन्हीं ऑप्शंस में से आपको लिखना था, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, मैच द कॉलम्स हैं। सबसे पहले तो आप सिंपल चीज़ें देखिए, खरीफ क्रॉप, बेटा खरीफ की क्रॉप्स क्या होती हैं और रबी की क्रॉप्स क्या होती हैं। रबी की क्रॉप्स क्या होती हैं बेटा, जो सर्दियों में उगाई जाती हैं, ठीक है, यानी वीट ग्राम एंड पी। और खरीफ की फसलें क्या होती हैं, जो कि गर्मियों में उगाई जाती हैं, यानी पैडी एंड मेज। केमिकल फर्टिलाइजर्स कौन से होते हैं, यूरिया या जो केमिकल्स से बने होते हैं। और ऑर्गेनिक क्या होते हैं, जो खुद ही एनिमल एक्सक्रीटा है ना, काउडंग गोबर वगैरह सब ऑर्गेनिक होता है, तो इसे आप ऑर्गेनिक से मैच कर देंगे। ठीक है बेटा, अब जो सी से लेके आपके क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन आंसर्स हैं, उन्हें मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करके फिर बताऊंगी। आज हम बुक के ही कर रहे हैं इसलिए हम फर्स्ट पहले जे कर लेते हैं। देखिए, अरेंज द फॉलोइंग बॉक्सेस इन द प्रॉपर ऑर्डर टू मेक अ फ्लो चार्ट ऑफ शुगर केन। देखिए, गन्ने की फसल उगाने के लिए फर्स्ट स्टेप बाय स्टेप चलना है आपको, कि स्टेप बाय स्टेप क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, है ना, इस तरीके से आपको यहाँ पर इसमें भरना है। तो देखिए बेटा, मैंने आपको जो है बताया था, आपको इसी तरह से फ्लो चार्ट की तरह बना के फिर आप लिखेंगे। मैंने आपको बताया था, एक फसल उगाने के लिए सबसे पहला जो स्टेप होता है ना बेटा, वो होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी 5 नंबर का जो आपका टॉपिक है वो पहले नंबर पे आएगा। तो आप आंसर्स में क्या लिखेंगे, पहले नंबर पे आप लिखेंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सबसे पहले यही काम होता है। जैसे ही आपने मिट्टी तैयार कर ली, उसके बाद आपको खेत जोतना पड़ेगा खेत जोतना अपनों, तो सेकंड नंबर पे आप क्या लिखेंगे, खेत जोतना। ठीक है, उसके बाद आपको खेत जोत दिया, अब उसमें बीज बोने पड़ेंगे, आपको बोने पड़ेंगे बीज, तो थर्ड नंबर पे आएगा आपका सोइंग। उसके बाद अब आपने जब बीज बो दिए ना बेटा, उसके बाद आपको क्या करनी पड़ेगी, उसमें खाद देनी पड़ेगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इसमें खाद दे दी, खाद देने के तुरंत बाद हमें इसमें सिंचाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम यहाँ 5th नंबर पे सिंचाई करेंगे, और सिंचाई कर देंगे उसके बाद फसल बड़ी हो जाएगी, तो इस फसल को हमें काटना है, हार्वेस्ट करना है। तो यहाँ पर 6th नंबर पर कौन है, आपको हार्वेस्ट, 6th स्टेप आपका हार्वेस्टिंग रहेगा। और जब आपने गन्ना उगा लिया तो अब आपको शुगर फैक्ट्री के अंदर फिर इसे काट कर भेजेंगे, तो काट दिया आपने, अब आप लास्ट इसमें 7th भेज दीजिए। तो इस तरीके से आपको ऑर्डर वाइज फिल करके और इसे क्या बनाना है,
इसे आपको यहाँ पर फ्लो चार्ट बनाना है, ठीक है। अब आप देखिए बहुत सारे क्रॉसवर्ड पजल्स भरे हैं हमने, आज हम वही भरेंगे। यहाँ पे एक वर्ड पजल दिया हुआ है जिसमें लेफ्ट टू राइट और अप टू डाउन दोनों तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है, हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम डाउन डाउन वाले देख लेते हैं। फर्स्ट देखिए डाउन वाला, फर्स्ट डाउन वाला बेटा ये है और ये आई से स्टार्ट होगा। प्रोवाइडिंग वाटर टू द क्रॉप्स, यानी कि फसलों को पानी देना क्या कहलाता है, आई से स्टार्ट हो। इरीगेशन क्या कहलाता है बेटा, इरीगेशन, ठीक है। तो इस तरीके से आपने फर्स्ट भर दिया। सेकंड देखिए, कीपिंग क्रॉप्स ग्रेन फॉर अ लॉन्ग टाइम अंडर प्रॉपर कंडीशन टू, आपको कहा है कि अनाज को बहुत लंबे समय तक सही कंडीशन में रखना क्या कहलाता है बेटा, स्टोरेज, क्या कहलाएगा, स्टोरेज कहलाएगा, स्टोरेज, ठीक है। इसी तरीके से थर्ड देखिए, फिफ्थ देखिए, सर्टेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल, यानी कि एक जैसे पौधे बड़े लंबे जगह पर बोना क्या कहलाता है, क्रॉप कहलाता है, CROP, क्रॉप। तो यहाँ पर आपके देखिए डाउन वाले कंप्लीट हो गए, अब आपको क्या करने हैं, अक्रॉस वाले देखिए। अ मशीन यूज फॉर कटिंग एंड मैच्योर्ड क्रॉप्स, यानी कि पक जाने वाली फसलों को काटने वाली जो मशीन होती है उसे आप क्या कहते हैं, हार्वेस्टर, क्या कहते हैं, हार्वेस्टर। देखिए बेटा ये आप सही कर लीजिएगा, यहाँ पर ये एक बॉक्स एक्स्ट्रा में गलत आ गया है, हार्वेस्टर, ठीक है। उसके बाद देखिए, अ रबी क्रॉप दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द पल्सेज, यानी एक रबी की फसल बताओ जो कि क्या है, एक अपने आप में दाल होती है और जी से स्टार्ट होनी चाहिए, तो बेटा कौन सी है, ग्राम, ठीक है। सिक्स देखिए, अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन्स फ्रॉम चैफ, यानी कि हरे चारे से उसकी अनाज को अलग करना क्या कहलाता है बेटा, विनोइंग, क्या कहलाता है, विनोइंग, विनोइंग कहलाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये कंप्लीट हुआ। यहाँ पर आपके क्वेश्चन आंसर रह गए हैं जो हम वीडियो नंबर 19th में करेंगे, तब तक के लिए आप इसे CW में लिखिए, HW में भी कीजिए और इन्हें लर्न सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, लर्न करना, ठीक है। तो आप इन्हें लर्न कीजिए, थैंक यू।